आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने लिखा वाइफ की अपने असासे जो डिक्लेयर किए हैं वो 31 लाख रुपए लिखी हुई है, यानी कि तो वही $19,000 बने जो आपने 2002 में इन्वेस्ट किए थे। अगर आपकी वाइफ ने डिस इन्वेस्ट किया तो वो पैसे कहाँ गए? अगर आपने शेयर में नहीं लिख रहे तो आप एसेट्स में लिखते, वो लिखा बनी है आपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए, वो पैसे गए कहाँ? शाहजेब एक मिनट रुके, ये मैंने पहले भी बताया है कि जब मैंने ये इन्वेस्ट किए थे तो तब ये इसकी वैल्यू ये नहीं थी, 31 लाख नहीं थी जो मैंने वहाँ लिखे हुए हैं, बिकॉज वो मैंने फैमिली बिजनेस में लिखा है। वो जो 31 लाख हैं वो मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, जो उसके अलावा हैं आप देखें वो सब के सब, मैं माशाल्लाह हमारे 3 grown-up बच्चे, जो बच्चे हैं उनको हमने जितनी चीजें, उनको जिस जिस चीज में लाइफ में सेट होने में सपोर्ट किया वो भी हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, उनको हमने पढ़ाया है, उनको हमने यहाँ तक पहुँचाया है, तो ये सारी जितनी भी हमारी इनकम आती रही वो उसी लिए हम इस्तेमाल करते रहे। सब यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी अहलिया ने डिसइन्वेस्ट किया और वो पैसे क्या आप बच्चों को दे दिए अमेरिका में? भाई साहब आपको आवाज आ रही? अच्छा भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हम कोशिश करते हैं बाजवा साहब से हमारा दोबारा रब्ता कायम हो, क्योंकि ये जो जो एक पॉइंट है, क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया कि जी बाजवा साहब को आवाज आ रही है, दोबारा रब्ता बाजवा साहब से कायम कीजिएगा। ये जो जवाब है हम कोशिश करते हैं, एक दो सवाल और पैदा हो रहे हैं उनको, उन्होंने अपने बच्चों के हवाले से भी जो जवाब बताए थे हमने ब्रेक से पहले आपके सामने।